आज हमें जानकारी पता चल गई है कि मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गए हमको तुरंत। इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों कर। साथ है जयंत एनसीसी कैडेट और आज बताएंगे कि क्या क्या हुआ है एनसीसी में। आज जो है हम लोग को परेड के लिए 2 बजे बुलाया गया ग्राउंड में। उसके बाद सभी को पोलन किया गया है ना, फिर उसके बाद परेड की प्रक्रिया चली, फिर उसके साथ साथ झगड़ा भी हुआ है ना। झगड़े में बैंड बनाया गया सभी को और हर प्रकार की पनिशमेंट दी गई है ना। और आज पनिशमेंट ज्यादा ही मिली, आज कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट मिली और उसके बाद समोसे नहीं दिए गए हम लोग। ये बात तो दुख की बात है, थक चुके हैं जो है ना। और बस का टाइम भी चेंज कर गई, कितना 3 घंटे हो गए पूरे पूरे है ना। परेड अभी तक चालू, तैयारी किसकी चल रही है? 15 अगस्त चूंकि आने वाला है आप लोग को पता होगा, तो इसलिए अब जो है हमारे सीनियर्स और मैडम का कहना है कि 15 तारीख तक जो है सभी को रेगुलरली आना है ना। तो हम लोग को भी 15 अगस्त तक रेगुलर आना पड़ेगा और परेड में आना करना पड़ेगा इधर आके। क्या संडे को भी आना पड़ेगा? नहीं, संडे को छुट्टी हो सकती है। खैर ये सब एनओ मैम या सीनियर बताएंगे अपने। आपको एनसीसी की जानकारी आपके डिपार्टमेंट में दी जाएगी, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते। बटालियन के आर्मी जवान होंगे वो आएंगे और वहाँ वो सिलेक्शन करके जाएंगे कि किसको। ज़्यादातर भर्ती लड़कों की है और 25 लड़कियों की है, तो आप अच्छे से तैयारी करके आइए और एनसीसी को ज्वाइन करिए। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, देखिए बस 5 बजे जाएगी समथिंग और बस यहाँ पर खड़ी है। चला के बस 5 बजे ही जाएगी, इसके पहले नहीं जाएगी क्योंकि स्टाफ के साथ ही जाएगी। स्टाफ के साथ जाएंगे।